यूरोप का एक परिवार जिसे इतिहास में सबसे प्रभावशाली बैंकिंग राजवंशों में से एक की स्थापना के लिए जाना जाता है। इसकी शुरुआत 18वीं सदी के अंत में हुई जब एक मेयर ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक बैंकिंग व्यवसाय को स्थापित किया। इस मेयर के 5 बेटे हुए और उनमें से हर एक ने एक प्रमुख यूरोपीय शहर में एक बैंकिंग ब्रांच की स्थापना की। इससे उन्हें एक विशाल बैंकिंग नेटवर्क बनाने में सहायता मिली। वर्षों से चुनौतियों और विवादों का सामना करने के बावजूद इस परिवार ने पीढ़ियों तक अपना प्रभाव और धन बरकरार रखा है। उन्हें अक्सर इतिहास के सबसे धनी और सबसे प्रभावशाली फैमिली में से एक माना जाता है, जिसने यूरोप में होने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं और युद्धों पर प्रभाव डाला। 40 देशों को दिवालिया होने से बचाने वाली इस फैमिली के बारे में आप कितना जानते हो? वेल, इस फैमिली का नाम है रोथस्चाइल्ड फैमिली। रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में कई अफवाहें भी हैं। कहा जाता है कि यह परिवार पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस फैमिली को पूरी दुनिया में लड़ाइयों को बढ़ावा देने का भी जिम्मेदार माना जाता है। रोथस्चाइल्ड फैमिली रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी नाम से मल्टीनेशनल फाइनेंसिंग कंपनी चलाती है। यह कोई छोटी मोटी लोन कंपनी नहीं बल्कि कई देशों को लोन देने वाली अरबों खरबों की फर्म है। यह कंपनी कई देशों को फाइनेंशियल मदद मुहैया कराकर उन्हें डिफाल्टर होने से बचा चुकी है। नेपोलियन के दौर में भी रोथस्चाइल्ड फैमिली दुनिया की सबसे अमीर परिवारों में से एक था। इस फैमिली ने नेपोलियन के युद्धों से सबसे अधिक लाभ कमाया। 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटेन और उसके सहयोगियों को जंग के लिए पैसों की जरूरत थी, तब कंपनी ने उन्हें पैसों की मदद मुहैया कराई। इसी फैमिली ने ब्रिटिश सरकार को जरूरत पड़ने पर बड़ा कर्ज दिया और स्वेज नहर कंपनी में एक प्रमुख शेयरधारक बन गए। रोथस्चाइल्ड फैमिली की कई देशों में अलग अलग शाखाएं हैं। वर्तमान में रोथस्चाइल्ड फैमिली की संयुक्त संपत्ति $400 बिलियन बताई जाती है। इस आधार पर यह इतिहास की सबसे धनी परिवारों में से एक है। रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में कई अफवाहें भी हैं। कहा जाता है कि यह परिवार पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करता है। रोथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में यह अफवाह है कि इसने ही अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या करवाई। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इस परिवार ने दुनिया भर में 6 राष्ट्रपतियों की हत्या करवाई। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि इस्लामिक स्टेट को फंडिंग भी यही फैमिली करती है। रोथस्चाइल्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया गया है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियों में शुमार है। कंपनी यह भी दावा करती है कि उनका यह बिजनेस लगभग 300 साल पुराना है और रोथस्चाइल्ड परिवार की 7वीं पीढ़ी इस वक्त बिजनेस को संभाल रही है। तो दोस्तों, चलिए एक बार कंपनी के इन दावों को पीछे की सच्चाई और फैमिली के इतिहास पे एक नज़र डाल ही लेते हैं। रोथस्चाइल्ड परिवार फ्रैंकफर्ट का एक प्रभावशाली बैंकिंग राजवंश है। वास्तव में यह सबसे प्रसिद्ध वित्तीय घरानों में से एक है और कभी दुनिया के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। 18वीं सदी में मेयर एम्सेल रोथस्चाइल्ड द्वारा स्थापित साम्राज्य उनके 5 बेटों के साथ साथ बड़ा हुआ। मेयर रोथस्चाइल्ड ने फ्रैंकफर्ट में एक बेटे को रखने के अलावा बाकी बेटों लंदन, पेरिस, वियना और नेपल्स में बैंकिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिए भेजा। मेयर एम्सेल का जन्म 1744 में फ्रैंकफर्ट के युगेंडसे में हुआ और वो यहीं पले बड़े। यह एक संकरी गली थी। यहाँ शहर के 3000 यहूदी निवासी रहते थे। मेयर रोथस्चाइल्ड ने छोटी उम्र में ही व्यापार सीख लिया। उनके पिता एम्सेल मोसेस रोथस्चाइल्ड रेशम के कपड़े और मनी एक्सचेंज का काम करते थे। जब मेयर 12 वर्ष के थे तब उनके माता पिता की चेचक से मृत्यु हो गई। वह रिश्तेदारों के साथ रहता था। उसे एक प्रमुख यहूदी बैंकिंग घराने साइमन वुल्फ ओपनहाइमर के साथ हनोवर भेज दिया गया। मेयर रोथस्चाइल्ड 1763 में 19 साल की उम्र में फ्रैंकफर्ट लौट आए और अपने भाइयों के साथ उनके पिता द्वारा शुरू किए गए व्यापारिक व्यवसाय में शामिल हो गए। हनोवर में रहने के दौरान मेयर को दुर्लभ सिक्कों की काफी जानकारी हो चुकी थी। वो इसी का व्यापारी बन गया और हेसे के क्राउन प्रिंस विलहम से उनकी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, जिसने मेयर के पिता से भी सिक्के खरीदे थे। यह मेयर के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध था क्योंकि इससे मेयर को अन्य रईसों के साथ संबंध विकसित करने में मदद मिली। 1770 में मेयर ने एक मनी चेंजर की बेटी गुटल शैनपर से शादी की और उनके 5 बेटे और 5 बेटियां हुई। मरने से पहले मेयर रोथस्चाइल्ड ने अपने उत्तराधिकारियों के लिए सख्त निर्देश छोड़े कि उन्हें पारिवारिक संपत्ति कैसे संभालना चाहिए। उन्होंने अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी केवल पुरुषों को ही चुना और महिला वंशजों को किसी भी विरासत से बाहर रखा गया। रोथस्चाइल्ड के 4 बेटों में से 3रे बेटे नेथन ने सबसे बड़ी सफलता हासिल की।
नाथिन 1798 में कपड़ा व्यवसाय स्थापित करने के लिए मैनचेस्टर इंग्लैंड चले गए। बाद में वे खुद को एक बैंकर के रूप में स्थापित करने के लिए लंदन चले गए और 1810 में एनएम रोस्टचाइल्ड की स्थापना की। एनएम रोस्टचाइल्ड एंड सन्स आज भी परिचालन में है। अन्य रोस्टचाइल्ड बैंकों की तरह एनएम रोस्टचाइल्ड एंड सन्स ने भी संकट के समय ब्रिटिश सरकार को कर्ज देने की रीति को जारी रखा। इसके अलावा नाथन रोस्टचाइल्ड ने यहूदी समुदाय के लिए कई क्षेत्रों में योगदान दिया। परिवार के सदस्यों ने इसराइल के विकास का समर्थन किया और यहूदी जनता के आवास और सरकारी भवनों के निर्माण में मदद की। 20वीं सदी तक आते आते युद्धों, राजनीति और पारिवारिक मतभेदों ने अगले 100 वर्षों में रोस्टचाइल्ड परिवार के रुतबे को कम कर दिया। बैंक की नेपल्स शाखा 1863 में बंद हो गई और 1901 में फ्रैंकफर्ट ब्रांच भी बंद हो गई। ऑस्ट्रिया पर नाजी आक्रमण और यहूदियों के लिए खतरे के बाद 1938 में वियना ब्रांच को भी बंद कर दिया गया। पारिवारिक संपत्ति वर्षों से वंशजों और उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित होती गई, लेकिन आज भी रोस्टचाइल्ड समूह के पास कई बड़ी कंपनियों में बराबरी की हिस्सेदारी है। रोस्टचाइल्ड परिवार के सबसे अमीर जीवित डेविड मेयर डी रोस्टचाइल्ड हैं। रोस्टचाइल्ड परिवार इतिहास के सबसे पुराने, सबसे धनी और सबसे प्रसिद्ध परिवारों में से एक है। बैंकिंग में जड़े जमाने के साथ परिवार ने सदियों से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में अपनी संपत्ति बढ़ाना जारी रखा है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रोस्टचाइल्ड परिवार का प्रभाव पिछले कुछ सालों में कम हो चुका है।